हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि HDFC का वो ग्रुप का शेयर है जो कि 1:10 में स्प्लिट होने जा रहा है। ओके, और आपको आपके पास 10 शेयर होंगे तो 100, 100 शेयर होंगे तो 1000, 1000 शेयर होंगे 10,000 शेयर, इस तरीके से वो कन्वर्ट होते जाएंगे। और बहुत अच्छे मल्टीबैगर इसने रिटर्न भी दिए हैं, उसी से रिलेटेड हम बातें करने जा रहे बात वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ और भी बातें करेंगे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल में, जो बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार का जो हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का, इस चैनल का यूज़ हो सके, वो भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा, नॉलेज ले सके। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए हुए हैं, एक एंजल ब्रोकिंग का फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर एक और लिंक है श्री राम जन्मभूमि में जो हमारा श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, उसका लिंक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका सीधे उसकी साइट पर ले जाएगा और आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, 10 रुपये से लेके जितना भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ पर डोनेट करिए और पुण्य काम में मदद करिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने जा वाला हूँ। ओके, 1627 रुपये उसका प्राइस चल रहा है। ओके, और ये 17 तारीख को स्प्लिट होने वाला है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख लीजिए पॉजिटिव, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए पॉजिटिव, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए पॉजिटिव, 1 ईयर टिल डेट का देख लीजिए पॉजिटिव, 1 ईयर का देख लीजिए पॉजिटिव, 5 ईयर्स का देख लीजिए पॉजिटिव, मैक्सिमम भी अगर हम देख लेते हैं तो मैं पॉजिटिव, मतलब 777 पे ही 2015 दिसंबर में लिस्ट होता हुआ नज़र आया था। और उसके बाद लेके लगभग 100% के, 109% के रिटर्न्स दे चुका है। और अगर हम यहाँ पर से देखें तो यहाँ से यहाँ पर के भी रिटर्न 85% है, मतलब एक साल के अंदर अंदर 85% के मल्टीबैगर रिटर्न्स एक तरीके से इस शेयर ने आपको दे दिए हैं। और अगर हम बात करें ये शेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक लो इसका 850 रुपीज़ 23 मार्च को था, उसके बाद 11 फरवरी 2021 को, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, 1900 रुपये इसका 52 वीक हाई था। और 94% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाती हुई देखिए, 94%। और क्या किस वजह से, इस न्यूज़ की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स डेट 17 फेब, ओके 17 फेब, मतलब जिसके पास भी 17 फेब को ये शेयर रहेंगे तो ये जो सेवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस वैल्यू स्प्लिट, मतलब सब डिवीज़न हो रहा है क्या, 761 का जो इसका फेस वैल्यू है वो डिवाइड होके कितना हो रहा है, 76। मतलब अगर इसे, इसके बाद 10 शेयर रहेंगे तो 100, 100 होंगे तो 1000, 1000 होंगे तो 10000, इस तरीके से आपके शेयर, एक भी शेयर होगा तो वो 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो प्राइस है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1627 रुपये, वो डिवाइड होते हुए 162 रुपये, अगर आज का प्राइस ही ले लें तो 162.72 रुपीज़ के हिसाब से प्राइस भी डिवाइड हो जाएगा। उसका फ़ायदा किसे होता है, जो पहले से ही इस शेयर में इन्वेस्टेड रहेंगे। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, तो देखिए बता देता हूँ, HDFC निफ्टी 50 ETF। ओके, तो ETF क्या होता है पहले तो बता देता हूँ, HDFC ग्रुप का है। ओके, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि HDFC ग्रुप का है। ETF क्या होता है, ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है एक तरीके का। हम बात करें तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, ओके, 20 से रिलेटेड, कि निफ्टी 20 होता है, बैंक 20 होता है, तो उसी से रिलेटेड एक शेयर है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 में जितनी भी ये कंपनीज होती है ना, ओके, उसमें ये लोगों से पैसे लेके इक्वली डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके का इनका फंड बना हुआ है एक, ओके, या म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। और के वो आपसे जैसे कि 100 रुपये हुए, अगर इनके पास 50 रुपये हुए तो 50 रुपये को वो इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि वो हर एक शेयर में, या फिर अच्छे अच्छे शेयर्स में निफ्टी 50 के, उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करके, या फिर थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें डाल के, वो आपको जो निफ्टी 50 के जिस तरीके से भागेगी उस तरीके से आपको ये शेयर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो आप देखेंगे, अगर यहाँ पर निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे ना, तो निफ्टी का चार्ट भी ऐसे ही होगा, देखिए यहाँ से गिरता हुआ नजर आएगा और फिर देखिए सीधे सीधे भागता हुआ नजर आएगा। ये भी निफ्टी 50 का चार्ट की तरह ही भागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 भी इसी तरीके से भाग रहा है। और ये भी क्या है, निफ्टी 50 का ही ETF है जो कि HDFC ग्रुप का है। तो ये आपको स्प्लिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए कौन कौन से शेयर इसमें इंक्लूड है, अगर टॉप 10 स्टॉक्स की बात की जाए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर देखिए HDFC निफ्टी 50 ETF। ओके,
तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन कौन से टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग इन पोर्टफोलियो उनके इनमें पोर्टफोलियो में है कब, 31 जून 2021 तक, तो देखिए HDFC बैंक जो कि आपको पता है क्या मल्टी बैगर रिटर्न दी है, 1600 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। इसमें इनकी होल्डिंग है, कितनी होल्डिंग है तो यहाँ पर देख सकते हैं 10.29% की, ओके इन्होंने होल्डिंग ले रखी है, या मतलब होल्डिंग परसेंट है वो टोटल होल्डिंग, मतलब इनके पास जितने पैसे हो उसके उसकी परसेंटेज इसी में डाल रखा है उन्होंने। अगर रिलायंस की बात की जाए 10.13, इन्फोसिस की बात की जाए 7.81, HDFC लिमिटेड की बात की जाए 7.27, ICICI बैंक 6.31, टाटा कंसल्टेंसी 5.56, कोटक महिंद्रा बैंक 4.27, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.44, ITC लिमिटेड 3.02, एक्सिस बैंक 2.79। तो मतलब इन्होंने ये जो टॉप 10 शेयर हैं निफ्टी के उसमें ही इतने इतने परसेंट की पर्टिकुलर शेयर्स में उसमें डिवाइड अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इतने पैसे लगा रखे हैं। अगर क्वांटिटी वाइज बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.534 लाख, ओके इतने इतने शेयर्स इस कंपनी ने मतलब इस ETF फंड में इस इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में टॉप 10 स्टॉक्स जिसे कहते हैं उसमें लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनका सम होके जो पैसे मिलते हैं ना, तो उसी तरीके से ये ETF उस तरीके से भागता हुआ नज़र आता है जो कि मैंने आपको बताया भी था। एक तरीके से इसे बीज भी कहते हैं, निफ्टी बीज में, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको आई बटन पे यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, और एज वेल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक शायद दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो जैसे जैसे ये भागता है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो एक एक्चुअली एक अच्छी बात है, पहली बात तो ETF में पैसा लगाना बहुत अच्छी बात है। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में 60% पैसा, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा जो लगता है ना वो ETF में ही लगता है, सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका में, ओके किसी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं लगता, किसी फ्यूचर में नहीं लगता, ओके ना किसी इक्विटी में लगता है, सबसे ज़्यादा पैसा जो अमेरिकन लोग लगाते हैं वो ETF में लगाते हैं, ओके टोटल मार्केट का मतलब 60% पैसा जो लगता है ना ETF में अमेरिकन लोग इसी में लगाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि ये जो HD जो ETF है बहुत अच्छी बात होती है, और इसमें अगर कोई न्यू भी आता है ना, कोई न्यू बंदा जिसे मार्केट की नॉलेज नहीं है, ओके वो अगर सिंपली इसमें लगा देता है, इसमें पैसा लगा देता है, तो ये निफ्टी की ऊपर तरह बिहेव करता है, ओके निफ्टी के शेयर जिस तरीके से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे उसी तरीके से देखिए निफ्टी की तरह ही ये भागता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई भी इजीली पैसा बना सकता है। और इसमें जो पैसा बनता है, हाँ अगर कोई इक्विटी में अच्छा खासा नॉलेज रखता है तो वो इसमें पैसे नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें वो अपने इक्विटी का पोर्टफोलियो में ज़्यादा पैसा कमा लेंगे कंपेयर देन ETF। बट अगर हम यहाँ पर हम देखें तो पिछली एक साल के अंदर अंदर इसने आपको 84-85% के रिटर्न दिए, जो कि सबसे बेहतरीन रिटर्न्स है। बट स्टिल आपको बताना चाहता हूं कि जिसे कोई नॉलेज नहीं है, ओके ये बैंक की FD से अच्छे रिटर्न आपको देता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए अगर किसी पर्टिकुलर अगर आपको कोई पर्सन दिखाई देता है जिसे नॉलेज नहीं है, ओके तो वो उससे आप HDFC निफ्टी हो गया, निपॉन हो गया, बैंक बीज हो गया, इसमें आप पैसे लगाने के लिए कहिए, तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न जाएगा उस तरीके से उसका पैसा बढ़ता रहेगा, जिस हिसाब से निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न जाएगा उस तरीके से इनके पैसे बढ़ते रहेंगे। और आपको पता ही है कि सेंसेक्स को भी एक दिन 1 लाख पे पहुंचना है, निफ्टी को भी एक दिन 50,000 पे पहुंचना है, तो वो होने में टाइम लगेगा, बट स्टिल वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। देखिए नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर से नीचे टूटा भी बट उसके बाद भागा भी, तो इसलिए ये चीज़ सेफ होता है और उनके लिए होता है जो कि क्या कहते हैं नॉलेज नहीं रखते, और हम जैसे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसे ज़रूरतमंद मिलता है तो उसे हमेशा स्टार्टिंग में यही सजेस्ट करिए, उसे ये देखने में मदद करिए, तो आपको एक तरीके से यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर ले लीजिएगा। न्यू नॉलेजेबल वीडियो था जो मैंने आपको बता दी, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए दोस्तों, ताकि हमारा ये चैनल ग्रो हो सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।